यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले या फिर शुरू करने के बाद आपको बहुत कुछ चीजों को सीखना पड़ता है, बहुत कुछ चीजों को जानना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसी में से एक चीज होता है कीवर्ड रिसर्च करना। जब तक आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आएगा तब तक आप अपनी वीडियो में अच्छा कीवर्ड नहीं डाल पाओगे, ठीक है ना। मान लो कि आप एक यूट्यूबर हो और आप वीडियो बनाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो वीडियो बनाते हो, आप जो वीडियो में मेहनत करते हो, तो वो वीडियो आज के लिए होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है ना। कोई भी ये सोचता है कि मेरा वीडियो लंबे समय तक चले, और वीडियो को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे से कीवर्ड को रिसर्च करना होगा, फिर उस कीवर्ड को डालना होगा अपनी वीडियो में, अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने टैग में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी YouTube पर वीडियो बनाते हो, तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करोगे और कैसे करोगे, ठीक है ना। तो उससे पहले आप मेरे बारे में जान लो कि मैं आपको ये बता सकता हूं या फिर नहीं बता सकता हूं, ठीक है दोस्तों। देखो, मैं एक यूट्यूबर हूं, उसके साथ साथ मैं एक वेब डेवलपर भी हूं, ठीक है ना। मेरी दो दो वेबसाइट चलती है इंटरनेट पर, और मुझे कीवर्ड रिसर्च करने के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, चाहे शेमरस से हो, चाहे एचरफ से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप अपनी वीडियो के लिए और यूट्यूब के लिए कीवर्ड किस तरीके से रिसर्च करोगे और किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है ना। देखो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा और नहीं ज्यादा घुमा फिरी होगा, ठीक है ना। मैं साफ लफ्जों में बात करता हूं और साफ साफ आपको क्लियर करता हूं, जो वीडियो 5 मिनट में बनना चाहिए उसको 10 मिनट में मैं क्यों लेके जाऊं, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए और आपका काम आसान हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका होता है, ये जितना आसान होगा उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब आप यूट्यूब पर काम करने लग जाओगे, जब वीडियो बनाने लग जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली नॉलेज होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आते हो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको भाई जैसा फीलिंग मिलेगा, ना कि यूट्यूबर जैसा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं यहां पर आपको दो तरीके बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करने का, वही आपके लिए काफी है। पहला मैं आपको बताऊंगा खुद यूट्यूब, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों विड आईक्यू, ठीक है ना। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके मोबाइल में विड आईक्यू होगा, और नहीं है तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है दोस्तों। चलो, ये तो बात होगी खत्म, अब हम शुरू करते हैं पहला तरीका कीवर्ड रिसर्च करने का, जो कि हम करेंगे यूट्यूब से, ठीक है ना, और दूसरी बार में हम करेंगे विड आईक्यू से, ठीक है दोस्तों। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि आप जो है वीडियो बनाने वाले हो, किस टॉपिक पर बनाने वाले हो, ठीक है दोस्तों। मतलब सबसे पहले आपको ये पता होगा ना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे, ठीक है ना। तो मैं चलो बनाने वाला हूं वीडियो ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाए, ठीक है ना। लेकिन आपके केस में जो कीवर्ड होगा वो कुछ और होगा, मतलब आपके वीडियो का जो टॉपिक होगा वो कुछ और होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आपका चैनल है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। मतलब उसी कैटेगरी को आपको यहां पर सर्च करना है जिस टॉपिक पर आप वीडियो को बनाने की सोच रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो, मैं यहां पर क्या करता हूं, ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाए हम यहां पर लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपको दिखाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो, यहां पर आपको बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाए, ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाए मोबाइल से, ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाए 2023, ठीक है ना, और ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाए गेम खेल करके। मतलब ये मेरे केस में बता रहा है, लेकिन आपके केस में आपको कीवर्ड आएगा, तो आपको किस तरीके से चुनना है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो, यहां पर आपको लिखा हुआ है ना तीसरे नंबर में, ऑनलाइन से पैसे कमाए कैसे कमाए 2023, आपको यहां पर क्लिक करना है और इस वाले कीवर्ड को कॉपी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक बार आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये सारे के सारे कीवर्ड को निकाल लेना है, ठीक है ना। जिस तरीके से मतलब फोटो में से टेक्स्ट निकालते हैं, इसी तरीके से आपको इसको भी निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। चलो, ये तो बात होगी खत्म कि मैंने यहां पर एक कीवर्ड को ले लिया है, आप भी अपने हिसाब से एक कीवर्ड को ले लोगे। देखो, कोई भी काम इतना भारी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल घुमा फिरा के आपको बताते हैं, लेकिन मुझे घुमा फिरा के बताने की आदत नहीं है, मैं इसको बहुत गलत बात समझता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, विड आईक्यू को ओपन कर लेता हूँ। विड आईक्यू को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्च बार का ऑप्शन, सिंपल इस पर क्लिक करना है और ये वाला कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आप सर्च कर देना है, ठीक है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बहुत
सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से उठाना कौन सा है जो मेरी वीडियो के लिए शूट करे, ठीक है ना। देखो जब भी कोई बंदा वीडियो बनाता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए बनाता है, वो ये कभी नहीं सोचता है कि ये वीडियो मैं 24 घंटे के लिए बना रहा हूँ या फिर 2 दिन के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कतई ही नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब उसका मानना ये होता है कि जब तक मैं यूट्यूब पर रहूँ, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक भी अगर कोई सर्च करेगा तो मेरा वीडियो उसके सामने जाना चाहिए, इस हिसाब से आप कीवर्ड को फाइंड किया करो, ठीक है ना। मान लो कि आपकी वीडियो पर, हमारी वीडियो पर आज व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, कोई ऐसा टॉपिक बनाया, कोई ऐसा कीवर्ड उठाया जो कीवर्ड जो है ना हमेशा लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करता हो। अगर वही सेम कीवर्ड को लोग यूट्यूब पर सर्च करेगा तो मेरा वीडियो उसके सामने जाएगा, आपका वीडियो उसके सामने जाएगा, तो वो मेरा वीडियो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कीवर्ड को रिसर्च किया करो अच्छी तरीके से। चलो ये तो बात होगी खत्म। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा कीवर्ड लेना है यहाँ पर और कौन सा कीवर्ड को नहीं लेना है। अब देखो 1 से लेकर 55 नंबर तक कीवर्ड आपको यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 59 है और यहाँ पर 52 है, तो हम क्या करते हैं इसको चेक करने के लिए कि ये कीवर्ड हमारे लायक है या फिर नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओवरऑल स्कोर पर, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है। सर्च वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका कितना सर्च है 1 महीने में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको पता लग गया, ये आप जोड़ लेना। उसके बाद फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और कंपटीशन पर क्लिक कर देना है। कंपटीशन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है ना मीडियम है, मतलब हम अपनी वीडियो में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, टैग में यूज कर सकते हैं और हैशटैग में यूज कर सकते हैं, यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया खत्म। अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल स्कोर पर क्लिक करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं किसी भी एक मतलब कीवर्ड पर, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्या हुआ, नीचे आ जाएंगे हम। नीचे आने के बाद अब यहां पर देख सकते हैं 3 कीवर्ड हमारे सामने आ गए हैं, जिसमें 2 में ग्रीन है और 1 में येलो है। तो हमें लेना कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका कंपटीशन देख लेंगे। इसका कंपटीशन मीडियम है और नीचे का वाले मीडियम है और ऊपर वाले का हाई है, तो इसको हम नहीं लेंगे। रियर केस में हम इसको ले सकते हैं लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, मेक मनी ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और मेक मनी ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे फिर से कीवर्ड दिखाई देंगे। तो यहां पर देखो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन 2023, अगर हम इसको क्लिक करते हैं और कंपटीशन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर मीडियम है। उसके बाद फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं और सर्च वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं तो अब यहां पर देख सकते हैं, मतलब 3-3.5 लाख लोग इसको सर्च करते हैं मंथली यूट्यूब में, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको टाइटल बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो एक टाइटल ये हो गया, मतलब इंग्लिश वाला, और एक टाइटल आपको लिखना है ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाएं घर बैठे, ठीक है ना, या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको अपने कीवर्ड के हिसाब से यहां पर आपको बताना है, ठीक है ना, यहां पर आपको टाइटल बनाना है। और जितने भी सारे यहां पर आपको मिलेंगे 55 नंबर से ऊपर वाले नहीं, 55 नंबर से नीचे वाले जो कीवर्ड मिलेंगे आपको, सारे के सारे को कॉपी करके अपने टैग में डाल देना है और डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी वीडियो लंबे समय तक यूट्यूब पर चलती रहेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये था बेसिक और इजी से कीवर्ड रिसर्च करना जो आपको मैंने आज की वीडियो में बताया है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए काफी नहीं है, आप मुझे इससे भी एडवांस लेवल में कीवर्ड रिसर्च करना बताओ, तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस लेवल में किस तरीके से कीवर्ड को रिसर्च किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपनी वीडियो में कीवर्ड को रिसर्च करके लगाओगे तो कभी भी आपका वीडियो नहीं रुकेगा, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई वीडियो बनाता है तो वो लॉन्ग टाइम के लिए बनाता है, शॉर्ट टाइम के लिए कभी नहीं बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है और कीवर्ड को रिसर्च करना है। ऐसे ही वीडियो बना करके कोई भी कीवर्ड को नहीं चेप देना, ऐसे में मिसलीडिंग मेटा डेटा का वायलेशन आपके वीडियो पर आ जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आपका यूट्यूब चैनल खतरे में भी आ सकता है और इससे आपको ग्रो करने का सपना भी अधूरा रह सकता है। इसीलिए आप कोई भी काम करो तो मन से करो, दिल से करो और लगन से करो, ठीक है ना। कीवर्ड को अच्छे से रिसर्च करो, उसके बाद अपनी वीडियो में लगाओ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आते हो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो नए लोग हैं, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो भी बेसिक कीवर्ड को रिसर्च करके अपनी वीडियो में यूज कर सके, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए और दोस्तों अपना प्यार बनाने की थैंक यू सो मच।